चरणों का तेरे हम पूजन। गुरुवार का पावन बार मानसिक पूजन। सुमिरन करी चरणों का तेरे पूजन करे। गुरुवर मेरी ओ बापू मेरी चरणों का तेरे हम वंदन करे। गुरुवर मेरे बापू मेरे चरणों का तेरे हम पूजन करे। वंदन करे सुमिरन करी चरणों का तेरे पूजन करे। बोलिए वंदन करे सुमिरन करे चरणों का तेरे पूजन करे।
चिता दो सत्कर्म कर लो वाणी मोक्ष।
मने मन पूजा की थाली सजाए। आज गुरुवार का पावन दिन है, श्रद्धा भाव से आज गुरुवर का मानसिक पूजन करेंगे। पावन विनायक चतुर्थी का दिन गुरुद्वार का मंगलमय स्थान सफल बनाइए, गुरु पूजन प्रारंभ कीजिए। केसर चंदन का तिलक अर्पण कीजिए, पीला पीतांबर वस्त्र गुरुदेव को अर्पण कीजिए, पीले फूलों से बने हुआ सुंदर पुष्पमाला अर्पण कीजिए, माथे पर मुकुट अर्पण कीजिए, हाथों में कर पुष्पमाला अर्पण कीजिए। आओ ना गुरुदेव के श्री चरण एक सुंदर स्वर्णमय परात में विराजमान कीजिए। गंगा यमुना सरस्वती गोदावरी का पावन जल लेकर गुरु चरण को स्नान करवाएं पवित्र तीर्थ क्षेत्रों के जल से। गुरु चरण पादुका भ्यो नमः, चरण कमले भ्यो नमः, ओम श्री गुरु भ्यो नमः। जल अर्पण करते जाएं और दोनों हाथों से पवित्र चरणों में स्नान करवाते जाएं। जो केसर चंदन का तिलक बनाया है, बापूजी के श्री चरणों को शुद्ध वस्त्र से थोड़ा पोंछ लें और फिर चंदन का तिलक श्री चरणों में अर्पण करें। सुंदर घी के दीपकों की थाली जगमगाई, ज्योत से ज्योत आरती गाई, मंगलमय दियों में बापूजी के दर्शन पाए, सुंदर 56 भोग लगाइए, सबके ऊपर तुलसी का दल रखिए। आओ तो भोग लगाऊं गुरुवर, ऐसा भोग लगाओ मेरे गुरुवर, सब अमृत हो जाए। जो तेरे प्रसाद को पाए गुरुवर वो तेरा हो जाए। आओ गुरुवर भोग लगाए। अब सब सामग्री एक और रखकर मनी मन घुटनों के बल बैठ जाइए और दोनों हाथ लंबे करके गुरु चरणों में प्रणाम कीजिए। अनंत प्रणाम, कोटि प्रणाम। दया की मूर्ति, करुणा के सागर, आपके श्रद्धा प्रणाम को स्वीकार करते हैं और दोनों हाथ हमारी पीठ पर रख के बापूजी हमारी पीठ थपथपा रहे हैं। वत्स, आगे बढ़, अपने परम लक्ष्य को पा, उत्तिष्ठ जागृति, लक्ष्यवान भव, ज्ञानवान भव, भक्तिवान भव। ऐसा कहकर बापू ने हमारे सिर पर हाथ रखा और गुरुदेव को प्रेम आया तो हमारे गाल पे भी हाथ रखा, जैसे भगवान नारायण ने
भक्त प्रहलाद भक्त ध्रुव को आशीर्वाद दिया था। धन्य हुआ हमारा गुरुवार गुरु पूजन करके। लेकिन जैसे गुरु पूजन पूरा हुआ तो शिष्य ने पूछा, बापूजी एक और आज्ञा दीजिए ना, कृपा कीजिए ना। बापू ने मधुर मुस्कान देते हुए कहा, बोलो। कहा, बापू आप विराजमान है, मैं परिक्रमा कर लूं। गुरुदेव ने मीठी मुस्कान दी और गुरुवार के पावन दिन शिष्यों ने गुरुदेव की परिक्रमा की। सभी मन ही मन गुरुदेव की पांच परिक्रमा किए जी। आंखें बंद, ओम श्री गुरुभ्यो नमः बोलते चलिए। ओम श्री गुरुभ्यो, चरण कमले भ्यो नमः, ज्ञान दाताय नमः, मंत्र दाताय नमः, व्यास विशाल बुद्धे नमो नमः। ओम श्री सद्गुरु परमात्मने नमः। हर एक परिक्रमा में प्रणाम करते जाइए। ये मानसिक पूजन अनंत लाभदायी, शिष्य की तार गुरुदेव के हृदय से जोड़ देता है। लौकिक विचारों का खंडन करके अलौकिक गुरु भक्ति से ये मानसिक पूजा हमें जोड़ देती है। विद्यार्थी ऐसा हर गुरुवार हो सके तो रोज ऐसे अपने गुरुदेव का मानसिक पूजन करें। गुरुवर मेरे, साई मेरे, चरणों का तेरे पूजन करें। गुरुवर साईं चरणों में तेरे कोटि प्रणाम। साईं चरणों में तेरे कोटि प्रणाम। साईं चरणों तेरे कोटि प्रणाम।
ज्ञान के सागर हैं गुरुदेव, करुणा की मूर्ति है गुरुदेव, कृपा का अद्भुत पुंज है गुरुदेव। जो जो जिज्ञासु, जो जो भक्तजन गुरु चरणों में आई है, सदैव गुरु चरणों से पाया है, ये वो महान दया का सागर है जहां पर गुरुओं ने, महापुरुषों ने सबको देने में कोई कमी नहीं रखी। गुरुद्वार पर आज तक लाखों करोड़ों लोगों ने लाभ लिया है, समय साक्षी है। लेकिन समय इसका भी साक्षी है कि बापू ने कभी किसी की जाति नहीं पूछी, गुरुदेव ने कभी किसी का वर्ण नहीं पूछा, किसी के घर की आय नहीं पूछी बापू ने। कब पूछा बापू ने किसी से? बस कृपा बरसाई और दे दिया गुरु मंत्र का दान। विचार करोगे ना बहुत गहराई से, बुरा नहीं मानना मेरी बात का, बहुत गहराई से विचार करोगे तो समझ आएगी कि शायद हम पात्र नहीं हैं। लेकिन पात्र बनाया गया, पात्र में लायका दी गई। जो वातावरण आप पिछले 5 दिनों से पा रहे हैं, इसकी तुलना मैं किससे करूं? क्या घरों में सबको कोई कमी है? नहीं। लेकिन फिर भी जो यहां आनंद, जो शाश्वत शांति गुरुद्वार पर मिलती है, उसको पाने के लिए देवता गण भी, उसके पाने के लिए दैवी शक्ति को हासिल किए हुए अभ्यासु और जिज्ञासु भी उस परम तत्व की प्राप्ति के लिए गुरुद्वार पर जाते हैं। और कैसे चूकूंगी बोलने में कि ये वो देश है जहां प्रभु श्री राम और भगवान श्री कृष्ण भी गुरुद्वार पर जाते हैं और सेवा करते हैं। धनभागी हैं आप लोग जो गुरुद्वार पर आने का अवसर मिला।